गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शिवंगीज ब्लॉग्स। सो गाइस, आज है अंजल की शादी और मैं सुबह से रेडी हो गई हूँ हल्दी के लिए। एक्चुअली क्या हुआ, उसका हल्दी का शूट कल शाम को नहीं हो पाया था, फिर संगीत के बाद होने वाला था तो भी नहीं हो पाया था, तो लेट हो गया था काफ़ी रात में। सो अभी सुबह 9 बजे में जब उठी थी तो उसका फ़ोन आया कि यार हल्दी के लिए आ जा, और सुबह से उठ के मुझे कहीं जाने में बड़ा आलस आता है, बट उसका एक फ़ोन आया, मैं फटाफट से उठ के नहा धो के हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ। 10 बज गए हैं, अभी उसके सिंगल शॉट्स चल रहे हैं, तो मैं चलो आप चल के दिखाती हूँ। और मैंने भी बहुत सिंपल सा टचअप कर लिया है मेकअप, चलो चलते हैं। चलो गाइस चलते हैं, मैं अपनी रिंग नहीं दिखा रही हूँ आपको। नाउ हम एंटर कर रहे हैं अंदर, या जीजू के आने की हो रही है तैयारी। हाँ, डिस्को बॉल्स लगा के देख रहे हो जीजू? क्यों नहीं। नमस्ते आंटी। आ गए, ये बन्नों की सहेली तो फट से आ जाती है बन्नों के बुलाने पर। चलो चलते हैं बन्नों के पास। रोने रोने देखने आई हूँ मैं, विदाई के लिए आज तो बचने दे। रोए जा रही है, रोए जा रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब चाहिए। अब एक्टिंग करके मत रो, वीडियो बन रहा है तो ड्रामे बाज। तो रोई क्यों रही है, मेकअप कितनी टेंशन है तो। बेचारी वो रुमाल लेके आई है कहाँ से, डूट डार के थी एक प्यारी सी लड़की। सुन रही है ना, एक आंसू दिख गया ना मुझे, मैं जीजू को फोन लगा के बोलूँगी जीजू मत आओ, आप मत ही आओ, ठीक है? बिल्कुल बनूंगी मैं तुम्हारा प्रिंची। प्रिंची है ये रन्या, फ्रेंड्स वी आर फ्रेंड्स ना। अच्छा नहीं, इसके सामने नाचो पागल की तरह। अच्छा हाँ, आज फ्रेंड्स मम्मा है आपकी। अच्छा ठीक है, समरिया पटली कहाँ से लाए यार? बाल बाल सही होने लगे जीजू के, समझ गए ब्लॉग बन रहा है। अब नहीं जाएगी स्मेल, अब तो ऐसी रहेगी दांत वाली। रुको जरा, सबर करो। हमारे कैमरा मैन एंजॉय कर रहे हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते। उसको रो लेने दो अब। क्यों रुला रहे हो भैया उसको? मैं नहीं रुला। ये यही है वो जो अंचल को बार बार रुला रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़। प्लीज आउटफिट तो अलग स्टाइल में पहन लिया, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, काफी अच्छा आउटफिट लग रहा है। गाइस ये सलोनी की मम्मी। हाय। यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं शाम की, अभी तो खाना वाना बन रहा है। बाकी सब तो ठीक ही है, इतनी ठंड में बर्फ भंडार लगाने की क्या जरूरत थी भाई? मुझे तो देख के जुकाम हो गया। So beautiful. Guys, अंजल की इस हरकत पर मेरी हंसी नहीं रुकी। अरे मुझे लगा ये कौन सा स्टाइल। हाँ वो स्लो मोशन में सही आएगा।
उसको नहीं चाहिए तेरी किस क्या देंगे कितना गंदे भैया होटल में वेस्टर्न लगेज के लिए आदमी घर घर जा रहे हैं थोड़ा उसी ना जल्दी हो गया नहीं तो वो बाहर नहीं जा सकते अपने यहाँ जा भी सकते थे एरिया भी अच्छी है होटल में कम पड़ गई इधर इतने पटाखे तो आपकी बारात में नहीं चलेंगे जितने पीछे चल गए ये ब्लॉग में जरूर डाला जाएगा और ऑडियंस हंस हंस के पागल हो जाएगी नहीं नहीं ये मुझसे करवाया गया है एक बार मैं कह चुका था दूसरा को लगाना और अगर मैं कहूँ मैंने वीडियो ही चालू ना किया हो तो मतलब डलवाना था ये बुलवाना था मुझे बीच में दाल आ गई काली दाल मैं पीली दाल A few moments later. Guys, यहाँ सब लोग अंचल को उठाने वाले उठा लिया एक सुंदर लड़की दिखाऊंगी नींद आ रही है बट अभी उसको साथ मैं जाऊं हां बाय कुछ कहना चाहूंगी मेरे लिए लव यू ओह थैंक यू सो मच थैंक यू किसी यू मेड माय डे रात का लिए बनाना है स्पेशल कोई कुछ कहे चलो भाई सभी अपन चलते हैं घर वापस रात में आएंगे भाई आ गए हैं लेने तो अब रात को करते हैं शूट हो गया हल्दी का शूट काफी अच्छा था मजा आया बाय A few moments later. Guys, तो मैं आई हूँ घर वापस ये देखो भाई डुगडुगी की टकली हो गई है टकली कहाँ है शुरू आपकी शेजू बुआ आपकी बुआ चली गई थी आपको छोड़ के आप क्या कर रही थी फिर बुआ बुआ तो बुआ 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 कर रही थी बुआ पास आना था आपको बुआ की याद आ रही थी आप शेजू बुआ चली गए पाजी के पास हम तो जा रहे हैं हम तो बाय जाएंगे हम तो पाजी पास जाएंगे तुमको छोड़ के जाएंगे आप रो गई अगर बुआ चली गई तो कैसे यार ये कितनी औसम है यार लड़की है गाइस ये चलो गाइस चेंज करके थोड़ा सा ब्रेक लूंगी मैं मिलती हूँ आपको शाम को ही शाम तो गाइस मैंने तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया मैं तो अंचल की बेस्ट फ्रेंड हूँ और काफ़ी इन्जॉय और करूँगी रात में तो भाई अपनी बेस्ट फ्रेंड में से एक है जो आज उसकी शादी है तो अपन तो भाई जाएंगे और फुल इन्जॉय करेंगे किसी को कुछ भी हो बट गाइस मुझे गुस्सा आ रहा है देख के जब वो रो रही है उसका लोग ज़रा ज़रा में मूड ऑफ कर रहे हैं मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या क्या करता है क्या है वो मैं आपको वही दिखाऊंगी और ओपन करवा के उनसे और रेडी अब मैं हो रही हूँ रेडी 8 बजने वाले हैं ऑब्वियसली हमारी ब्राइड भी रेडी हो रही है मैं कॉल करके पूछती जा रही हूँ वो क्या कर रही है या नहीं कर रही है तो ब्राइड को रेडी होने में तो 2-3 घंटे लगते हैं आपको पटे ही है
तो मैं वेट कर रही थी वो कब बोले कि बस एक घंटा और रह गया, तो मैं 8 बजे से रेडी होंगी और फिर हम आ जाएंगे शादी में। एंड गाइस अभी कितनी शादियां हो रही है ना दिसंबर में, बाप रे। आप क्या किसकी शादी है कमेंट करके बताओ ना यार। मैं कर रही हूँ अपना मेकअप, आई मेकअप स्पेशली मैं पहनने वाली हूँ ब्लैक आउटफिट। मुझे काफी टाइम से मन था, मतलब मैंने भैया की शादी में पहना था ब्लैक आउटफिट, उसके बाद से नहीं पहना शायद कहीं, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था। मैं किसी खास शादी का वेट कर रही थी और मुझे इतना अच्छा आउटफिट भी मिल गया, तो खास थी मेरी अंचल, तो मैं इसमें पहन रही हूँ। ठंड है बट लड़कियों को कहाँ ठंड लगती है, बात तो सही है। So I will try कि मैं स्मोकी आईज वाला मेकअप कर लूँ और मैं कर लूंगी शायद। So guys, मैं कर रही थी मेकअप, मैंने सोचा चलो मेकअप करके थोड़ी बातचीत कर ली जाए, हमेशा मैं ऐसी वीडियो बनाने के डायरेक्ट आ जाती हूँ सामने, गाइस मैं रेडी हो गई बातचीत में बातें कर लूँ। तो गाइस शादी में बड़े अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। पहली चीज़ तो जिनकी शादी होती है वो शादी में बहुत बिजी रहते हैं, सारे काम हम देखने पड़ते हैं, ब्राइड भी अपने में मस्त रहती है। जैसे कोई रूठ के बैठ जाता है, कोई कहता है हमें चाय पानी के लिए नहीं पूछा, हमें खाने के लिए नहीं पूछा। ऐसा मुझे सीन यहाँ देखने नहीं मिला, मैं जस्ट बता रही हूँ ऐसा सबकी शादियों में होता है। कुछ लोग कहते हैं हमें फोटो क्लिक करने नहीं बुलाया, कुछ 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 कहते, किसी ना किसी बात का बुरा लगता ही रहता है। मैं लेकिन गाइस ऐसी हूँ, जैसे चलो कहीं अननोन शादी होती है जहाँ मुझे पता है मेरी पहचान वाला कोई नहीं, तो मैं शांति से बैठ के प्रोग्राम लेती हूँ। और यहाँ मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड की शादी है तो मुझे अपना 100% देना है, चाहे वो मुझ पर ध्यान दे या ना दे, मेरा काम है उस पर पूरा ध्यान देना। अपना 100% दूंगी मैं, मुझे उसमें कुछ मिस्टेक लगेगी तो मैं खुद जाके बताऊंगी, मुझे अगर उसके फोटो क्लिक करानी होगी तो मैं खुद जाके क्लिक कराऊंगी, मैं वेट नहीं करूंगी वो मुझसे बोले। मुझे फालतू की फॉर्मेलिटीज बिल्कुल नहीं पसंद, वो मुझे कार्ड देने आ रही थी तो ही मैंने उसको बोल दिया था कोई ज़रूरत नहीं है फालतू फॉर्मेलिटीज़ की, एक कॉल करना मैं आ जाऊँगी। और मैं यही कर रही हूँ, और फ्रेंड्स को यही करना चाहिए ना कि ड्रामे करने चाहिए तूने मुझे बोले तूने मुझे की। तो ये मेरी फ्रेंड की शादी है, मैं अपना 100% दे रही हूँ और फुल एंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ, फ्रेंड्स की शादी में नो ड्रामा करें, चुपचाप से जाएं, खाएं पिएं ऐश करें और इसको भी खुश रखें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि शादी में वैसी लड़कियां बहुत परेशान रहती है। Okay, अब मैं अपना आई मेकअप कर लूँ, आपसे बात करती रही तो बारात निकल जाएगी, मैं मेरे जीजू से नहीं मिल पाऊंगी। मैं हो गई हूँ रेडी और ये आउटफिट इतना अच्छा लग रहा है ना, बस ये इयर रिंग मुझे फैबी लग रहे हैं। मेरे पास एक और ऑप्शन है, ये जो कि मेरी ड्रेस में मैच हो रहा है, पीच कलर, दिखाती हूँ ये वाला, आई थिंक मुझे सिंपल चीज ज़्यादा पसंद है ये वाला, और ट्राई करके देखूँगी नीचे। तो चलो गाइस अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं मम्मी भाभी का रिएक्शन क्या होता है। एक्सक्यूज मी, कृपया सब अपनी जगह पर बैठे रहे। हाँ से वाह, ओ मर गए वाह, ओ वाह, कितना सुंदर लग रहा है, वाह वाह, कैसा लग रहा है, वाह वाह। गाइस आई एम रेडी, दिख रही हूँ आपको, मैं फाइनली अच्छा सा रेडी हो गई हूँ। और गाइस अब इसके आगे मैंने क्या किया वो देखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। मैं चाह रही थी एक ब्लॉग में सब कुछ डाल दूँ, लेकिन ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था लास्ट टाइम की तरह, सो मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। सो ये था फर्स्ट पार्ट, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना जो भी इस ब्लॉग में, मुझे सबके कॉमेंट्स चाहिए। ओके, तो जल्दी से जल्दी गाइस लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी इस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी से अपलोड करूँगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।